सेवेंथ क्लास, यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ज्योग्राफी का हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, अवर चेंजिंग अर्थ, जिसमें इंट्रोडक्शन चल रहा था। उसमें थोड़ा सा आगे है। अब वॉल्किनोज मे बी ऑफ थ्री टाइप्स, यानी ज्वालामुखी तीन प्रकार की होती हैं, एक्टिव, डॉर्मेंट एंड एक्सटिनक्ट। एंड एक्टिव सक्रिय ज्वालामुखी, डॉर्मेंट प्रसुप्त ज्वालामुखी और एक्सटिनक्ट एंड विलुप्त। एक्टिव यानी सक्रिय, जिसमें ज्वालामुखी में से लावा निकलता रहता है। डॉर्मेंट का मतलब कुछ समय के लिए लावा उसमें निकलने से बंद हो जाता है, वो फिर जाग जाती हैं, फिर निकलने लग जाता है। और एक्सटिनक्ट पूरी तरह से विलुप्त हो जाती हैं। इन एक्टिव वॉल्केनो इरप्ट्स फ्रीक्वेंटली, और जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं उनमें विस्फोट होता रहता है बार बार। ए डॉर्मेंट वॉल्केनो इरप्ट रेयरली, और जो प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं उनमें विस्फोट कभी कभार होता है। एन एक्सटिनक्ट इज द वन विच हैज नॉट इरप्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, और जो एक्सटिनक्ट हैं, जो विलुप्त ज्वालामुखी हैं, उनमें विस्फोट लंबे समय से नहीं होता है। एंड इज नॉट लाइकली टू इरप्ट अगेन, और वो कभी आगे भी विस्फोट उसमें नहीं होता है। अनदर टाइप्स ऑफ सडन मोमेंट कॉज ड्यू टू इंडोजेनिक फोर्स इज अर्थक्वेक। अनदर टाइप ऑफ सडन, ये अन्य प्रकार का अचानक हलचल होती है। इसका कारण है कि जो अंतर्जात जो शक्तियाँ हैं उनके कारण उसमें भूकंप आता है। वैन द टेक्टोनिक प्लेट्स रब ईच अदर, मैसिव एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यू टू विच द अर्थ सरफेस इज शकन वायलेंटली। और जब टेक्टोनिक प्लेट्स, जो पृथ्वी के अंदर रचना है, उसकी रचना की जो प्लेट हैं, आपस में रगड़ करती हैं, रब ईच अदर, एक दूसरे से रगड़ती हैं, तो मैसिव एनर्जी इज प्रोड्यूस, भारी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ड्यू टू विच द अर्थ सरफेस इज शेकन वायलेंटली, और उस ऊर्जा से पृथ्वी की सतह हिलती है बलपूर्वक। द प्लेस वेयर द टेक्टोनिक मूवमेंट ऑक्यूर इन द अर्थ इंटीरियर इज कॉल्ड द फोकस। द प्लेस वेयर, वह स्थान जहाँ जो रचना की जो प्लेटें हैं वो उनमें हलचल होती है, उत्पन्न होती है, तो अर्थ के आंतरिक भाग में उसे केंद्र कहते हैं, फोकस कहते हैं। फ्रॉम द फोकस द सेस्मिक वेव ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन, और उस केंद्र से भूकंप की लहरें ट्रेवल करती हैं, यानी यात्रा करती हैं, ट्रेवल करती हैं ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में। द पॉइंट ऑन द अर्थ इज सरफेस जस्ट एबव द फोकस इज कॉल्ड ए एपिक सेंटर, और द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर जो बिंदु जस्ट एबव द फोकस, जहाँ केंद्र होता है इसके ऊपर, कॉल्ड एपिक सेंटर कहलाता है, ऊपर केंद्र कहलाता है। दिस पॉइंट सरफेस इज मैक्सिमम डैमेज, और उस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। द फर्दर इज ए प्लेस फ्रॉम द एपिक सेंटर द लेजर विल बी द डैमेज, और जो एपिक सेंटर से फर्दर होता है, आगे का स्थान होता है, वहाँ कमतर नुकसान होता है, कम नुकसान होगा। Although earthquake cannot be predicated, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand. यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, predicted नहीं किया जा सकता, the impact can certainly minimize, परंतु कम से कम इसका प्रभाव निश्चित रूप से होता है, इफ अगर वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, अगर हम पहले से तैयार हो जाए तो। अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, यानी भूकंप की से तत्परता। वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग इन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के दौरान आश्रय कहाँ बनाएं, कहाँ ले जाएं।
सेफ स्पॉट यानी सुरक्षित स्थान अंडर ए किचन काउंटर, किचन काउंटर के अंदर टेबल और डेस्क, अगेंस्ट इनसाइड कॉर्नर और वॉल, दीवार के अंदर, दीवार के कोने और उस दीवार के पास सामने, स्टे अवे फ्रॉम एंड दूर रहें फायरप्लेस आग के स्थानों से, एरियाज अराउंड चिमनीज उन क्षेत्रों से जहाँ चिमनियाँ हैं, विंडोज़ हैं, दैट सेल सेटर इंक्लूडिंग मिरर्स, क्योंकि वहाँ शीशे बिखर जाएंगे जो इंक्लूड हैं वो, एंड पिक्चर फ्रेम टूट जाएंगे। बी प्रिपेयर्ड तैयार रहे हों, स्प्रेड अवेयरनेस एमंग अस योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस माई डिजास्टर कॉन्फिडेंटली, यानी अपने मित्रों और परिवार में अवेयरनेस जागरूकता फैलाएं लोगों के बीच में, परिवार के सदस्यों में, एंड फेस एनी डिजास्टर और किसी भी आपदा का आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ सामना करें। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिकेशंस मेथड एडॉप्टेड लोकली बाई पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल्स बिहेवियर, फिश इन द पॉन्ड गेट एजिटेटेड, स्नेक कम टू द सरफेस। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिकेशन मेथड यानी अर्थक्वेक के कुछ सामान्य भविष्यवाणी के तरीके एडॉप्ट किए जाते हैं लोकली स्थानीय क्षेत्रों में, स्थानीय स्तर पर, बाई पीपल लोगों के द्वारा, जैसे इंक्लूडिंग स्टडिंग एनिमल्स बिहेवियर जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करके, फिश इन द पाउंड कैट मछली पाउंड से, जो पाउंड से बाहर निकलती है तालाब से, एजिटेटेड घबराती है, स्नेक कम टू द सरफेस और सांप सतह पर आते हैं। मेजर लैंड फॉर्म्स मुख्य भू क्षेत्र धरातल के क्षेत्र बनते हैं, लैंडफॉर्म चेंज होते हैं और बनते बिगड़ते हैं, वेदरिंग एंड इरोजन आर ए पार्ट ऑफ सच फोर्स, इस प्रकार की शक्तियों में अपचय और कटाव मदद करते हैं शेपिंग एंड मॉडिफाई द लैंडफॉर्म फीचर, यानी उनकी आकृति और में पर आकृति और उनके परिवर्तन लैंड क्षेत्र के लैंड क्षेत्र की विशेषताओं में परिवर्तन करने के लिए। वी सी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हम देखते हैं पृथ्वी की सतह को, तो वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, वेदरिंग अपक्षय की प्रक्रिया के द्वारा चट्टानें टूट जाती हैं और बिखर जाती हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पृथ्वी की सतह पर। इट मे बी कॉज बाई वाटर आइस विंड चेंज इन क्लाइमेट और एक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, इट मे बी कॉज इसके कारण पानी का बहाव, बर्फ, हवाओं, हवा और जलवायु का बदलना और पौधे और जानवरों की प्रतिक्रिया के द्वारा ये चेंजेज होते हैं। वेदरिंग हैपन्स ओनली एट वन प्लेस एंड अदर, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ ब्रोकन रॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वेदरिंग अपक्षय की घटना ओनली एट वन प्लेस एक स्थान पर होती है, एंड देयर इज नो मूवमेंट जहाँ कोई हलचल नहीं होती उस स्थान पर ऑफ ब्रोकन रॉक्स, चट्टानों के टूटने की हलचल नहीं होती है फ्रॉम वन प्लेस दूसरे स्थानों पर। इट इज़ जनरली फॉलोड बाई इरोजन, ये सामान्यतः कटाव होता है, द कैरियंग अवे और रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉयल एलोंग विद ब्रोकन पैदर्ड रॉक्स बाई द एक्शन ऑफ विंड वाटर सी वेव एंड मूविंग आइस इज कॉल्ड इरोजन, द कैरियंग ले जाती हैं अवे बाहर या रिमूवल उनका निष्कासन हो जाता है, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो वहाँ से रिमूव हो जाती है, एलोंग विद ब्रोकन टूटने के साथ यानी अपचय के कारण चट्टानों के टूटने से वो वहाँ से
निष्कासित हो जाती हैं बाय द एक्शन ऑफ यानी हवा, पानी, समुद्र की लहर और चलती हुई बहती हुई बर्फ, ये सब इरोजन के कारण हैं। द इरोडेड मटेरियल इज डिपोजिट एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेस, और जो घिसा हुआ मटेरियल है वो दूसरे भिन्न स्थानों पर डिपोजिट हो जाता है, जमा हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ वेदरिंग इरोजन आर एंड डिपोजिशन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म्स। दिस प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, यह अपचय की जो प्रक्रिया है और कटाव की, कटाव और जमाव की, जिसके कारण इसकी मदद से अनेकों भू क्षेत्रों का निर्माण होता है। फिनिश नेक्स्ट कल।